Thank you.
છે કે આ વિભલ સિગ્નલ માથા મારો કર્મસ્થિત અવસ્થા હોઈ નહીં શકતી. કર્મસ્થિત અવસ્થા તો અંતમ્ય હોગી, એ જાણને સે હલવેલા પણ નહીં આ તકે પુરુષાર્થ. કર્મસ્થિત અવસ્થા તો અંતમ્ય હોગી, અંત કા પતા હૈ. કલ શરીર છૂટ જાય, इतना ट्रैफिक दौड़ता रहता है और कहाँ टक्कर हो जाए, खेल खलास हो जाए, वो पता है? पता तो है नहीं, लेकिन इतना पता जरूर है कि हर मनुष्य आत्मा के ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म होते हैं? 84 जन्म होते हैं. उनमें 21 जन्म जो है वो पुण्यात्मा के हैं और 63 जन्म पाप आत्मा बनने के हैं. तो जो रील घूम रही है अभी, रिहर्सल हो रही है ना, शूटिंग हो रही है, वो 63 जन्मों का ही हमको क्रॉस करना है या ज्यादा क्रॉस करना है? 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा करना है. तो वो आज कर लो या कल कर लो या लंबा करते जाओ. तो अलबेलापन आना चाहिए या अलर्टनेस आनी चाहिए? अलर्टनेस आनी चाहिए. अगर ज्ञान बुद्धि में सच्चा सच्चा बैठा है तो अलबेलापन क्यों आएगा? हाँ, ये बात तो पक्की बताई कि अभी कर्मातीत अवस्था किसी की, लेकिन कोई की कर्मातीत अवस्था सबसे पहले तो होगी, तो हम पहले लिस्ट में क्यों ना आ जावे? हम अलबेलापन में क्यों रहे? जो सतयुग का पहला जन्म है उस पहले जन्म में प्रजा कितनी होगी? 9 लाख प्रजा होगी. और 9 लाख प्रजा पूरे कितने जन्म लेने वाली है? 84 लाख. वो प्रजा वर्ग की आत्मा है. 9 लाख आत्माएं प्रजा वर्ग की आत्माएं, और उन 9 लाख को 9 ही क्यों कहा गया? 10 क्यों नहीं कह दिया? 12 क्यों नहीं कह दिया? 8-7 क्यों नहीं कह दिया? इसका मतलब ये है कि जो 9 धर्म हैं या ब्राह्मणों की जो 9 पुरियां हैं, पुरुषार्थ करने वाले जो 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं, उनको और उनकी प्रजा को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 9 लाख की कैटेगरी में बांटा गया. तो 9 लाख तो हो गई प्रजा. फिर तो उनको कंट्रोल करने वाले चाहिए या नहीं चाहिए? और 9 लाख प्रजा में भी जो पहला 1 लाख होगा प्रजा वर्ग, वो सबसे श्रेष्ठ होगा. और जो आखिरी लाख होगा वो निष्कर्ष होगा. बीच में नंबरवार है, तो उनके राजाएं भी तो नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? इसलिए माला बनी हुई है राजाओं की या राजघराने में आने वालों की. वो माला है 8 या 9 की, अथवा 108, अथवा 1008, अथवा 16108. तो वो प्रजावर्ग की आत्माएं 9 लाख, उनके साथ राजाएं तो जुड़े ही हुए हैं.
राजाओं का पुरुषार्थ कंप्लीट होगा तो प्रजा का भी पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाएगा। सारा मदार किसके ऊपर है? कहते भी है था राजा, पहले कौन सुधरेंगे? राजाएं है पहले सुधरते हैं और राजा ही पहले सुधरते हैं। जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं जब पहले बिगड़ती हैं तो उनकी सारी प्रजा बिगड़ैल हो जाती है, और राजा बनने वाली आत्माएं पुरुषार्थ करके जब सुधरती हैं तो उनकी सारी प्रजा यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। इसलिए राजा के साथ प्रजा तो जरूर चाहिए। इसलिए पहले जन्म की आबादी बताई 9,16,108, वो आत्माएं तो होंगी लेकिन उनमें कोई पहले जन्म में ही ऊंचा मर्तबा पाने वाली होगी 16,108 में, और कोई आत्माएं वो ऐसी होंगी जो पहले जन्म में तो दास दासी बन करके रहेंगी और त्रेता के आखिरी जन्म में जाकर के उनको कौक पत्रों ऊंची कुर्सी मिल जाएगी। बाकी जन्म तो पूरे 84 लेंगे, कुछ दिन या कुछ मास या कुछ वर्ष कम हो सकते। बाबा ने कहा है कि बाप हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए आया है, तो बाप हमें किस तरह से ले जाते हैं? क्या शिव बाबा की याद में रहने से शरीर अपने आप छुटता है? जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। आत्मा की स्थिति में रहने की प्रैक्टिस पक्की करेंगे, जैसे बाबा ने मिसाल दिया, मैं भैंस हूँ। अंदर में अगर यही चिंतन चलता रहे कि मैं भैंस हूँ तो छोटी सी खिड़की से कैसे बाहर निकले? तो संकल्प बीज है, वाचा इतनी पावरफुल नहीं होती, कर्मेंद्रियों के कर्म इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन मनसा बहुत पावरफुल होती है। सन्यासी है, जन्म जन्मांतर पवित्र रहते हैं कर्मेंद्रियों से, लेकिन मनसा से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कमजोर आत्मा रहते हैं या पावरफुल बनते हैं? मनसा जहाँ की तहाँ विकारों में रमण करती रहती है और कर्मेंद्रियों से कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये राज है। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक जिज्ञासा शांत करने के लिए और एक प्रश्न करते हैं देह अभिमान की पूर्ति करने के लिए। प्रश्नचित्त उनको कहा जाता है, उनके अंदर संकल्पों विकल्पों का घुमाड़ा चलता ही रहता है, संतुष्ट नहीं होते। जो जिज्ञासु सच्चा होगा उसको बाप की पहचान मिल चुकी है, बाप की पहचान होते हुए वो जो प्रश्न करता है वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए करता है, विरोध करने के लिए नहीं करता। बाकी जो विरोध करने के लिए प्रश्न करते हैं वो देह अभिमान है, उनको बाप की पहचान नहीं है। लोग कहते हैं भगवान ही सुख देता है, भगवान ही सुख देता है, लेकिन भगवान के सुख देने या लेने का काम है या हमारे कर्म हमको सुख या दुख देते हैं?
आत्मा में पार्ट लुढ़ा हुआ है। 63 जन्म जिन्होंने जाति नौधा भक्ति जब जब की है, शूटिंग पीरियड में वो नौधा भक्ति की शूटिंग लुढ़ी हुई है, उनको उस समय वो साक्षात्कार स्वतः ही हो जाता है। बाकी भगवान न किसी को सुख देता है न किसी को दुख देता, कहा जाता है कि साक्षात्कार कराते हैं, कराते नहीं है। वो साक्षात्कार आत्मा में नुदा हुआ स्वप्न है। क्या भगवान स्वप्न कराते हैं? नहीं, स्वप्न भी एक प्रकार का रील है संकल्पों की। चंद्रम पर जब शिव के मन में आया कि मैं जाऊँ और बच्चे को पढ़ाऊँ, परम नाम में मन में आता है क्या? तो आत्मा कैसे नीचे उतरती है? जैसे आत्माओं में, आत्माओं के अंदर ये संस्कार भरा हुआ है, जब उनको इमर्ज होना होगा तो ऊपर से नीचे उसी टाइप पर आएंगे। ऐसे ही परमात्मा में भी वो ज्ञान सुनाने का संस्कार भरा हुआ है, जब उनको आना होगा तो आए। ऐसे नहीं रहे, परम धाम में संकल्प चलते हैं कि मैं जाऊं। हाँ जी, नहीं भगवान बोला मन मना भाव, तो उसका मन तो अमन है। मन मना भाव वो अपने लिए थोड़े ही बोल रहा है, अपने लिए बोल रहा है मन मना भाव, बच्चों से कह रहा है मन मना, मेरे मन में समा जाओ, मैं मन में समा जाऊं ऐसे बोला क्या? हाथ उठा के जोर से बोलो, हाथ उठाओ जरा। किस शरीर में आते हैं? किस शरीर में आते हैं? गुलजार दादी के तन में है, गुलजार दादी के तन में आते हैं, तो गुलजार दादी की आंखें मोटी मोटी बड़ी बड़ी हो जाती है, ऐसे समझते है? शंकर के तन में जो चंद्रमा दिखाया जाता है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब तक अधूरा है तब तक पढ़ाई पढ़ रहा है, और जब संपूर्ण हो जाएगा तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ब्रह्मा की आत्मा को मोह रहेगा है? मोह नहीं रहेगा। और जब नष्टो मोह हो जाएगा, तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा जैसी सहन शक्ति धारण करने वाली आत्मा को भी इतना दुख दिया कि उनका हाथ फेल कर दिया, उनसे हिसाब किताब लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा, लेगा। तो जो रुद्रमाला के मणके हैं उन बच्चों में प्रवेश करता है और प्रवेश करके हिसाब किताब लेता है। इसलिए भक्ति मार्ग में गाया जाता है धर्मराज के दूत है, यमराज के दूत। बाबा मुरली ने कहा है कि माता होते साकारी और बाप होता है निराकारी, इसका मतलब भाइयों की निराकारी से तो माताओं से ज्यादा है क्या? ठीक है, फिर भाइयों को दोनों दूसरे का सदैव है क्या? सदैव निराकारी स्टेज में रहते क्या? तुम क्या समझे कि हम 24 घंटे निराकारी स्टेज में रहते हैं, निर्विकारी रहते हैं? ऐसा पक्का कर लिया? अरे पक्का है ये है? क्या हरेक से अलग अलग नहीं, दूसरों भी छोड़ो, पहले अपन ही देखे कि क्या हम हर समय निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहते हैं? नहीं, जब नहीं रहते हैं तब दुर्योधन दुशासन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। माताओं को साकारी कहा है और बाप को निराकारी कहा है, बाप यानी भाई ना, जो भाई है उनको कहा निराकारी, और जो माताएं हैं
वो है साकारी, धरणी है साकारी और बाप बीज है निराकारी। बीज तो होता ही निराकारी है। तो फिर ज्ञान का कलश माताओं से फिर फर्क क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन जो शासन है उनको दे देंगे तो संभाल करके रख देंगे। बीज तो निराकारी होता है, निराकारी में ज्ञान है। बीज निराकारी तो निराकारी में ज्ञान ज्यादा होगा। हाँ हाँ, निराकारी तो है लेकिन निराकारी 24 घंटे बन पा रहा है कि और ही अपवित्र बन रहा है और बना रहा है? अरे अभी अनुभव क्या कहता है, अपना अनुभव क्या कहता है, दूसरों की बात छोड़ दे। जब हम एकांत पाते हैं पुरुष, तो एकांत पाकर के मनमानी करते हैं या छोड़ देते हैं? हैं? मनमानी करने चुकते हैं? नहीं चुकते। तो दुर्योधन दुशासन हुए कि नहीं हुए? कन्या माताओं में लाज रहती है कि पुरुषों में लज्जा रहती है? कन्या माता में लज्जा रहती है। और जिसकी मैं आदिमानव कर रही है तो तीन आदिमानव के नाम विदेशी नाम है, विदेशी नाम है, तो वो तीन आत्माएं कौन है बाबा? उसमें से जो एक मानव है उसकी बुद्धि सबसे तीखी है। उसका नाम क्या है? बाबा विदेशी नाम बोले क्या? स्वदेशी मालूम हो तो स्वदेशी पहले बताओ। आदि मानव तो कोई दूसरा है ही नहीं। आदि माने सबसे पहले वाला, और जो सबसे पहले वाला होगा वो जंगली होगा, कांटों के जंगल का सरताज होगा या फूलों के दुनिया का सरताज होगा? कांटों के जंगल का सरताज। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने तीन शेर दिखा दिए। शेर खूंखार होता है या खूंखारपना उसका खत्म हो जाता है? खूंखार होता है, दूसरों का खून चूसने वाला होता है। ये तीनों जो दिखाए गए हैं उनको आदि मानव कह दिए। आदिवासी जैसे कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना, एक होते हैं शेड्यूल कास्ट और एक होते हैं, हाँ, ज्यादा खूंखार कौन होते हैं? शेड्यूल ट्राइब। आदिवासी बहुत खूंखार माने जाते हैं। उनका सरताज कौन है? उनका सरताज है शंकर। और ऐसे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पहले सिर्फ एक अमीबा था, उससे वृद्धि होती रही होती रही होती रही तो बहुत हो गए। अब अमीबा का भी तो अर्थ वही है, आ माने नहीं, मी माने मुझको, वाह माने वाह, वाह मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। फिर बाबा ने मुरली में कह दिया, इस दुनिया में जो भी चीज है वो तेरे पर पहले लागू होती है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। अरे वृक्ष का बीज होता है, उस बीज में पत्ते समाए हैं कि नहीं समाए? समाए हुए हैं। उस बीज में फल समाए हुए हैं या नहीं समाए हुए? फूल समाए हुए हैं या नहीं समाए? टहनियां हैं या नहीं है? सब कुछ, सारे वृक्ष का सार उस बीज में समाया हुआ है। तो अमीबा हो गया, आ माने नहीं, मी माने मुझको, वाह माने वाह, वाह मेरे सिवाय और कुछ है। और गीता में भी क्या कहा है? गीता में भी भगवान ने क्या कहा? मैं इसमें ये श्रेष्ठ हूँ, मैं उसमें वो श्रेष्ठ हूँ, मैं उसमें वो श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हूँ, और कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो अलग अलग बातों को अलग अलग तरीके से लोगों ने बोल दिया है लेकिन अर्थ उनका एक ही जगह लगता है। और बोला भेजो राणा जी ने इसको क्या लो,
मेरा किसी किसी नहीं होती कलयुग अंत में कोई ऐसी युगल जोड़ी है जिसमें मन का वाचा और कर्मणा से झगड़ा न होता हो, सब में होता है। और वो जोड़ी कौन सी होगी जिससे शुरुआत होती है? नहीं, लक्ष्मी नारायण का गायन नहीं है, जगत पिता और जगदम्बा का गायन है। एडम और ईव, आदम और हव्वा का गायन है। वो अंतिम जन्म में आकर के उनमें क्या हो जाता है? संसारों का टकराव हो जाता है। तो जो टकराव हो जाता है वो तीसरे जन्म में भी कभी टकराव हुआ होगा। जब तीसरे जन्म में टकराव हुआ था तो ऐसी ही स्थिति आई गई थी राणा की और मीरा की। उसको उन्होंने समझ लिया कि राणा ने हमको यही जिंदगी दी है, तो हम साधु संत महात्माओं के साथ रहेंगे। अब मुरली में बोला कन्या माताओं को संन्यास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कन्या माताओं का चोला ऐसी योग्य नहीं है कि वो अपनी पवित्रता को अखंड रख सके। तो ये कहना शुरू कर दिया कि विष का प्याला, माने विचार के विष का प्याला राणा जी ने हमको दिया पीने के लिए, तो हमने खुशी खुशी पी लिया। वो शूटिंग कहाँ होती है? अभी ब्राह्मणों की संग भी दुनिया में शूटिंग होती है। जगदम्बा कहो या जगदम्बा की फॉलो करने वाली जो भी विदेशी कन्याएं माताएं हैं, जगदम्बा की बच्चियां, वो एक छोड़ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां महाकाली का पाठ बजाती रहती है, जिसे पीती रहती है। समझते हैं यही हमारी जिंदगी है? बाप को नहीं बदलती रहती, पति को बदल देती है। महाकाली और महागौरी ये पार्ट है। गौरी किसको कहा जाता है? पवित्र को कहा जाता है या पवित्र को कहा जाता है? गौरी पवित्र को कहा जाता है और काली अपवित्र को कहा जाता है। कहते ना काला मुंह कर लिया। नवग्रह का ब्राह्मण बच्चे पर बैठा या दुनिया? ग्रह माने क्या है? घर ग्रह। जब नई दुनिया की शुरुआत हुई थी तो दुनिया छोटी थी या बड़ी थी? छोटी दुनिया थी। उस छोटी सी छोटी दुनिया में नौ प्रकार के ब्राह्मण मुखियाओं के नौ परिवार थे। उन परिवारों को घर ग्रस्त ग्रह कहा गया है। ग्रह माने घर, घर परिवार। और उनके जो नौ मुखिया हैं वो ये सोम शुक्र, ये जो नाम दिए गए हैं नौ ग्रहों के, वो इस समय के नाम है। अब वो सारी दुनिया के मुखिया हैं कौन? नवग्रह। वो ग्रहपति हैं। तो परिवार वालों को ग्रह पिता या ग्रह पति के अंदर में चलना पड़ता है या नहीं चलना पड़ता है? उनके प्रभाव में रहना पड़ता है। जो घर का बाप होता है वो जैसे राजा होता है अपने घर परिवार का, तो उस प्रभाव में रहने वाले को कहा जाता है दशा। किसकी दशा में है? इस ग्रह की दशा में। सबसे अच्छे से अच्छी ग्रह दशा मानी जाती है बृहस्पति। जो बड़े से बड़ा पति है, एक का पति नहीं है, वो सब परिवारों का पति है।
और सबसे खराब से खराब दशा मानी जाती है राहु या शनि के लिए। तो दुष्ट के प्रभाव में रहना माने दुष्ट की दशा में रहना, और श्रेष्ठ के प्रभाव में रहना माने श्रेष्ठ की दशा में रहना। अभी जिन्होंने पक्का पक्का एक बृहस्पति को पहचान लिया वो तो उस पति को छोड़कर के दूसरी जगह जाने वाले कितनी भी परीक्षाएं हो वो तो उसी की दशा में रहना पसंद करेंगे, और जिन्होंने पूरा नहीं पहचान पाया तो दूसरों के प्रभाव में आते रहेंगे, और दूसरों के प्रभाव में आते रहेंगे तो फिर नंबर वार दुखी तो होते रहेंगे। तो ग्रह दशा कहा जाता है। नौ ग्रह की गिरती कला कहाँ से शुरू होती है? द्वापर से शुरू होती है। वो कोई मनुष्य गुरु के अंदर में था या नहीं था? कोई मनुष्य गुरु के अंदर में रह करके राजाओं ने मंदिर बनाए मूर्तियां बनाई या उनकी अपनी बुद्धि काम करती थी? कोई भी था वो आत्मा अभिमानी था या देह अभिमानी था? द्वापर युग के आदि में जो भी राजाओं के गुरु होते थे वो देह अभिमानी होते थे आत्मा अभिमानी होते थे? देह अभिमानी होते थे। तो ये सब इतने बाप बैठे हुए हैं इन सब के लिए वो बात लागू नहीं होती है? ये सब बाप दुख देने वाले थोड़े ही होंगे, लेकिन दुख तो देते हैं। आपने देहधारी को बाप मान लिया, यही तो गड़बड़ हो गया। आज की मुरली में क्या कहा, समझाने वाला कौन है? देहधारी बाप, देहद का देहधारी बाप भी है और देहद का आत्माओं का बाप भी है, समझाने वाला कौन है? सुधारने वाला कौन है? अब आपकी बुद्धि ने उस देहधारी को भी बाप मान लिया कि वही समझाने वाला है वही सुधारने वाला है? इसलिए बोला हुआ है भक्ति मार्ग में बोला, राम के भक्त रहीम के बंधे हैं सब आंखों के अंधे। तो शूटिंग ऐसी हम क्यों करें? अब हमें ज्ञान मिल गया है राम कृष्ण की आत्माएं देहधारी आत्माएं हैं, वो हमारा कल्याण करने वाली नहीं है, वो द्वापर युग से अकल्याण ही अकल्याण करेंगे। किसको किसको क्यों चला देहधारियों की मत पे? हजार नियामक मनुष्य की अपनी बुद्धि है ना, जन्म से ही हर आत्मा को अपनी बुद्धि मिलती है ना, तो अपनी बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए, दूसरों की मत पे क्यों चलना? तो दुख तो मिलेगा। बाबा भी यही समझाते हैं देहधारियों की मत पर चलने से सबसे दुनिया का बड़े से बड़ा धूर्त किसको बताया? इस दुनिया का बड़े से बड़ा धूर्त कौन है? धूता व्यास, मुरली में व्यास को बड़े से बड़ा धूता बताया ना है? व्यास जो है जिसको भगवान कहा जाता है वो वास्तव में भगवान है क्या? तो भगवान है ही नहीं, वो बड़े से बड़ा देहधारी धर्म गुरु है। भगवान आता है, अरे जब आता था तब आता था कि द्वापर युग में आता है? भले ऑलराउंड पार्टधारी हो, लेकिन जब ऑलराउंड पार्टधारी है तो नीचे गिरने वाला है या ऊपर उठने वाला और उठाने वाला है? नीचे गिरने वाला है। अब यहाँ संगम युग में भी हम उस नीचे गिरने वालों को फॉलो करते रहे, कोई है ऐसे जो समझते हैं बाबा ने भले मुरली में कहा शंकर को फॉलो नहीं करना है, फिर भी क्या करते हैं? उस चैतन्य मूर्ति को ही फॉलो करते हैं कि उसने भी किया तो हम भी अकेले थोड़े ही दुनिया को पति से पावन बना लेगा, हम भी तो बनाएंगे। तो उनकी दृष्टि देहधारी बाप के ऊपर है या निराकारी बाप के ऊपर? लेकिन बाबा द्वापर युग की शूटिंग में तो आना पड़ता है ना किसको? हर एक आत्मा को, आपने अपनी द्वापर युग में तो आती है हर एक आत्मा कहाँ आती है? जो कलयुग के अंत में आती है वो कहाँ आती है? द्वापर शूटिंग के रूप में
शूटिंग पीरियड में जो आत्मा जिस समय आई है उस समय उसको शूट करना है। हर आत्मा सतो प्रधान सतो सामान्य रजो प्रधानता चार अवस्थाओं के चक्र में आती है, हर युग में नहीं आती है हर एक आत्मा। तो फिर उस वक्त को कैसे करें, उस वक्त को कैसे मतलब क्या अभी विक्रमादित्य की झोपड़ी में तो आए थे ना, तो किस कीमत को माने, फिर किस कीमत को माने, भवन से उच्च मत तो कोई है नहीं, और वो आलम पादर है ना, भगवान कौन है, भगवान किसको मान लिया आपने, आपने प्रजापिता की आत्मा को भगवान मान लिया क्या, वो तो देहधारी आत्मा है। बल पुरुषार्थ करके थोड़े समय के लिए एक जन्म के लिए नारायण बन जाएगा, बाकी जन्म जन्मांतर के लिए नारायण बन जाएगा क्या, संपूर्ण बन जाएगा क्या। हाँ ये कहेंगे कि वो हीरो पार्टधारी का पार्ट और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले श्रेष्ठ पार्ट है पूरे चक्र में, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो भगवान है या सुधारने वाला है या सदगति देने वाला है, नहीं वो खुद भी दुर्गति में जाता है और दूसरों को भी दुर्गति में ले जाने वाला है। और गुरु पति पुरुष न कहो, पति जो पुरुषार्थ करता है, हाँ भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं कि पति जो कमाई करता है उसमें आधा हिस्सा पत्नी का होता है और पत्नी जो कमाई करती है उसमें आधा हिस्सा पति का नहीं होता है। ये भी बात कहाँ से उठाई गई है, संगम युग से उठाई गई। संगम युग में भी शुरुआत ये कहाँ से हुई, लक्ष्मी नारायण से, जगदम्बा जगत पिता से नहीं, जगदम्बा तो पुरुषार्थ पूरा ही नहीं कर पाती, नारी से लक्ष्मी बनती है क्या, वो तो पुरुषार्थ ही नहीं पूरा हुआ है? नहीं, संगम युग में जो नारी नारायणी बनती है और नर जो नारायण बनता है वो पहला जोड़ा, उसमें एक है पुरुष और एक है स्त्री। पुरुष जो है वो बीज है, पुरुषार्थ का बीज, और स्त्री जो है वो बीज नहीं है, वो धरणी है, आधार है। बीज कितना भी अच्छा हो और कितना भी पुरुषार्थ करने वाला हो और कितनी भी निराकारी स्टेज में टिकने वाला हो, लेकिन अगर उसको धरणी नहीं मिलेगी, पथरीली धरणी नहीं, भुरभुरी पैदाइशी धरणी, अच्छी धरणी जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो फलीभूत नहीं होता। ऐसे ही ये रुद्रमाला के मन के बीज हैं, उनमें जो पहला बीज है उसको जब तक उसको धरणी नहीं मिलेगी क्या, और वो पवित्र धरणी मिले क्या, अपवित्र धरणी न मिले, तो पवित्र धरणी जब मिलेगी तब उसका पुरुषार्थ, तब लंगड़े से तो पुरुषार्थ करने वाला तेज दौड़ने वाला बनेगा। तो आधा हिस्सा जो प्योरिटी का है वो पति को मिल जाता, वो पत्नी को मिल जाता है, पति का आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है, वो निराकारी स्टेज का आधा हिस्सा कौन ले जाएगी, वो पत्नी ले जाती, पत्नी तो बेचारी निराकारी स्टेज में टिक ही नहीं पा रही है, है पवित्र लेकिन निराकारी स्टेज में नहीं टिक सकती, हो तो साकारी है। हाँ जी, यहाँ भी बात लागू होगी, सभी के ऊपर लागू होगी,
नंबर वन शूटिंग में ऐसा साक्षात्कार होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो साक्षात्कार होता है, ऐसा कहा है तो साक्षात्कार बोले तो सपनों में साक्षात्कार होता है क्या, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से मालूम पड़ता है दिखता है, चैतन्य में होता है क्या सपन में होता है? यहाँ साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, एक तो खुली आंखों से होता है और एक बंद आंखों का साक्षात्कार होता है, ऐसे ही वहां भी साक्षात्कार होता है लेकिन वहां देवताओं को बुद्धि नहीं होती है, क्या बुद्ध होते हैं, तो खुली आंखों का बुद्धि का साक्षात्कार नहीं हो सकता, उनको अंदर से आत्मा में अनुभूति हो जाती है, जैसे कोई कोई आज के भी मनुष्य होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है इतने दिनों के बाद हम शरीर छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे जाकर के हम जन्म लेने वाले, ऐसे ही उन देवात्माओं को भी अनुभूति होती है, अंदर से साक्षात्कार होता है कि अभी ये शरीर छोड़ करके हमको उस अमुक अमुक घराने में जाके जन्म लेना, अनुभूति वो कराने वाला कौन फिर वही आत्मा में पार्ट रुदा हुआ है, वो भूल जाते बिना के पहले सेमन पड़ेगा है? सेमन मा अकाल पड़ेगा, विनाश होगा वो एकदम मारामारी नहीं शुरू हो जाएगी, पहले अकाल पड़ेगा भारत में, अकाल पड़ेगा तो पानी की बरसात नहीं होगी, ये हद की बात भी है और पहले कौन सी लागू होगी, अभी बेहद की बात चल रही है, अभी तो खूब ज्ञान बरसात हो रही है। चलो माउंट आबू में जाकर के मिनी मधुबन में आकर के बरसात हो रही है, फिर क्या होगा, ऐसा भी टाइम आएगा कि बरसात होना ही बंद हो जाएगी, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, जिन्होंने जितना धारण कर लिया ज्ञान को अपना बना लिया प्रैक्टिकल जीवन में उतना ही रह जाएगा, फिर क्या होगा, फिर मारामारी शुरू हो जाएगा, अकाल में जब लोगों को रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा पानी की बूंद नहीं मिलेगी तो मारी मारामारी शुरू कर देंगे और बस विनाश यहाँ मारामारी नहीं कर रहे हैं अभी, हुआ तो अभी भी है, मुरली ने कहा है मैं साई ओम का साई हूँ, मुरली ने कहा है मैं साई ओम का साई हूँ, साई का क्या मतलब, स्वामी स्वामी जो महात्मा लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वामी जी महाराज, स्वामी का बिगड़ा हुआ रूप है साई, तो बड़े से बड़ा साई कौन है, शिव बाबा, वो गुरुओं का भी गुरु है, स्वामियों का भी स्वामी है, कौन सी मारामारी है क्या, अभी संकल्पों की मारामारी हो रही है कि नहीं, अभी थोड़ी हो रही है, फिर क्या होगा, संकल्पों का खून इतना ज्यादा होगा कि जो कच्चे कच्चे होंगे वो तो ऐसे ही अरिष्ट बुद्धि मरती होने शुरू हो जाएंगे, जहाँ देखो वहाँ मौत का बाजार लगेगा, उनका काम कर रही है तो नीचे गिर जाने में क्या, जो गाय दूध दे रही है, है? तो उसकी अगर लात खा लो तो खराब बात है क्या, खराब बात है, अरे शंकर जी का काम हो रहा है, शंकर जी अगर विनाश करें तो उनका नाम बदनाम हो जाएगा, अरे बड़े से बड़ा देवता है इतना दुख दे रहा तो वो काम शक्तियां कर रही है, उनको असुर संहारिणी गाया जाता है, शक्तियों को असुर संहारिणी कहा गया है।
तो शक्तियाँ अगर ये काम करें तो शंकर जी की तो वल्ल ही वल्ल। चुपचाप मसक साध के पड़े रहते हैं, होने दो काम। है अभिमान का अर्थ क्या होता है? अभिमान होता है। अभिमन्यु को अभिमान था कि नहीं था? क्या अभिमान था? हमारा भगवान माम है। हमारे देह का संबंधी जो मामा कहा जाता है वो कौन है तुम्हें पता है? वो हमारा मामा है, मामा। और इतना ही नहीं, दूसरा अभिमान भी था जो बहुत पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला है दुनिया में, है? जिसके शरीर रूपी रथ को भगवान चलाता है वो मेरा बाप है, बाप। अच्छी तरह समझ लो। तो ये देह का अहंकार हुआ या नहीं हुआ? देह के संबंधियों का अहंकार कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? बाकी ज्ञान तो विधि विधान से ही मिलता है। क्या विधि? ये है कि कोई आत्मा से संदेश मिले, ईश्वरीय ज्ञान का संदेश मिलने के बाद साप्ताहिक कोर्स हो विधिवत, और साप्ताहिक कोर्स होने के बाद फिर भट्टी हो 7 दिन की, है? और भट्टी भी खुशी खुशी पूरी हो। तो विधि विधान पूर्वक जो आत्मा चलती है, फिर रेगुलर क्लास भी करे। क्या रेगुलर स्टूडेंट हो, पंक्चुअल हो। अब इन बातों में से अगर कोई भी नहीं है, सिर्फ देह का अभिमान है, तो क्या कहेंगे? शास्त्रों में क्या नाम रख दिया? अभिमन्यु। धोखा खाएगा कि नहीं खाएगा? विधि से सिद्धि होती है। विद्युत नदी में जब भगवान लोग प्रवेश करते हैं, पता चलता है कि नहीं, समझ में आ जाता है कि मुझे नदी में धर्म प्रवेश किए, और आवाज भी थोड़ा फर्क आ जाता है, चेहरे मोरे में फर्क आ जाता है, आवाज में फर्क आ जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता है, उनकी आत्मा गुम हो जाती है। तो अंतिम स्पेसिंग पार्ट जब प्रवेश करेंगे, अंत में सोल और अपने प्रवेश करेंगे ना, सोल दूसरे दूसरे आत्मा में शरीर में, तो सब आवाज में फर्क करेंगे, बदलाव आएंगे। बदलाव आएंगे अगर कोई आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी तो ऐसा बदलाव होगा क्या? वो भगवान की आत्माएं होंगी या मनुष्य आत्माएं होंगी? मनुष्य आत्माओं का, और मनुष्य आत्माओं का ये स्वभाव संस्कार है कि वो कभी बीज रूप स्टेज में टिकती है और कभी नहीं टिकती। उनको संग का रंग ऐसा मिलेगा तो निराकारी बनेगी, और संग का रंग नहीं मिलेगा तो देह अभिमान में रहेगी। तो सूक्ष्म शरीरधारी जो भूत प्रेत होते हैं वो जल्दी ही देह अभिमानी बन जाते हैं, और जल्दी ही उनमें ताकत होती है सूक्ष्म शरीर की, निराकारी भी बन सकते हैं संग के रंग। जैसे ब्रह्मा की सोल है, जब राम वाली आत्मा जो सारी सृष्टि की बीज है उसके संग के रंग में आती है तो वो बीज बन जाती है। इसलिए जैसे शिव बीज है, जब प्रवेश करता है ब्रह्मा में तो ब्रह्मा को पता चलता है? नहीं पता चलता, क्योंकि हल्का फुल्का है, सूक्ष्म शरीर का कोई दबाव नहीं है। तो ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता है, तो दूसरे बच्चों को पता है, उनको भी पता नहीं चलता। ऐसे ही गुलजार दादी में जो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है वो सूक्ष्म शरीरधारी है या बिंदी है? सूक्ष्म शरीरधारी है। गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो उनके जो पहले का जो हिसाब किताब है जीवन काल का, वो हिसाब किताब मुरली में बताया कि गुलजार दादी छोटी सी बच्ची थी, प्यारी थी, ब्रह्मा बाबा उसे अपने नजदीक खींचते थे, वो भाग जाती थी, और सारा जीवन ऐसे ही चलता रहा। तो सारा जीवन में ब्रह्मा बाबा की लागत
वो तो बच्ची के पते लगी रही, कौन तो मते सुगते हो गई। सूक्ष्म शरीर भले धारण किया लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से जो आत उनकी साकार शरीर से पूरी नहीं हुई वो सूक्ष्म शरीर से पूरी करने लगे। तो जब प्रवेश करते हैं तो उनका चेहरा मोरा बदल जाता, गुलजार दादी को कुछ याद नहीं रहता, आंखें भी बदल जाती हैं, चेहरा मोरा भी बदल जाता है, वाइब्रेशन भी बदल जाते हैं, आवाज भी बदल जाती है। वही आत्मा जब राम वाले स्वरूप में प्रवेश करती है तो संग का रंग लग जाता है, पता ही नहीं चलता कब राम वाली आत्मा बोल रही है, कब ब्रह्मा वाली आत्मा बोल रही है, या शिव बाबा बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। अंत में भी नहीं पता चलेगा, दस दस पंद्रह पंद्रह आत्मा जब प्रवेश करेंगे किनको नहीं पता चलेगा। नहीं, जब सामने वाले से हम बात करें तो हमारे अंदर से आत्मा बात कर रही है, बात कर रहे हैं, ऐसे समझ में आएगा। ये तो जिसमें प्रवेश किया जाएगा उनकी अवस्था की बात है। रुद्रमाला के मणकों में एक ही मणका ऐसा गाया हुआ है जिसमें एक ही प्रवेश करता है निराकार के लिए, दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। बाकी और जो है उनके लिए ये बात नहीं लागू होती, उनमें शिव भी प्रवेश करेगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि शिव आया या वो सूक्ष्म शरीर घर वाली आत्मा आई। तो अवस्थाओं में फर्क पड़ जाता है। कर्म करते हुए बाबू को याद करना ही, तो हम जब लोग की कर्म करते हैं और बाबू को याद करते हैं, और जब अलौकिक कर्म करते हैं अलौकिक कर्म करते हैं और बाबू को याद करते हैं, तो दोनों के प्राप्ति में अंतर हो जाते हैं। अलौकिक कर्म करते हैं अगर आत्मिक स्थिति में करते हैं, नहीं याद में दोनों कर्म याद में करते हैं। याद भी आत्मिक स्थिति में जो कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा, और देवान में रह करके जो कर्म करेंगे उसका प्रभाव अलग होगा। आप वो कर्म चाहे लौकिक हो और चाहे ज्ञान के आधार पर हो, फर्क जरूर पड़ जाएगा। क्योंकि ज्ञानी लोग जो हैं वो भी सेवा तो करते हैं, लेकिन देह अभिमान में कभी आके सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देह अभिमान में आके सेवा करते हैं तो किसी के मान अपमान की ध्यान ही नहीं रखते, और मारे अहंकार के ऐसे ऐसे वचन भी बोलते हैं जिससे सुनने वाली आत्मा बजाय ठहरने के तो भगाने वाले हुए या थमाने वाले हुए। ज्ञान का जो फल है वो सुखदायी होना चाहिए या दुखदायी होना चाहिए, सुखदायी होना चाहिए, बजाय सुखदायी होने के दुखदायी महसूस हुआ, तो ये तो ज्ञान नहीं है। शिव बाप आत्मा है और आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी नहीं है, हल्की फुल्की आत्मा है। हल्की फुल्की आत्मा जब देहधारी में प्रवेश करे और वो देहधारी भी जन्म जन्मांतर का जो पाठ बजाने वाली आत्मा है वो ऐसी है जो 500-700 करोड़ मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा आत्मिक स्टेज में रहने वाली है या देहान में रहने वाली है, ज्यादा आत्मिक स्टेज में रहने वाली है, इसलिए दोनों की जोड़ी मिल जाती है। जैसे लौकिक दुनिया में जोड़ी मिलाते हैं, अगर नाता है तो नाती चाहिए, बहुत काला है तो काली चाहिए, मोटा है तो मोटी चाहिए, तो जोड़ी मिलाते हैं ना, ऐसे ये जोड़ी मिली हुई है। शिव ज्योति बिंदु है, निराकार ज्योति बिंदु, वो बिंदु है बीज पिता, सब आत्माओं का पिता है,
परम पिता है, लेकिन उन आत्माओं में भी कोई ऐसी आत्मा है जो जन्म जन्मांतर की बीज है परसेंटेज के हिसाब से, तो उनसे उनकी रीति भीत मिल जाती है। इसलिए एक सुप्रीम सोल ही ऐसा है जो जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण 84 जन्मों की कथा कहानी को जानता है, और आत्मा पुनर्जन्म लेने के कारण सब भूल जाती है। तो जो जानने वाली आत्मा है अज्ञान में आवेश करती है, अज्ञान वाली आत्मा में तो मनन चिंतन मंथन अच्छा चलेगा या कम चलेगा? अच्छा चलेगा। और स्त्री को बायां अंग दिया जाता है या दायां अंग दिया जाता है? बायां अंग दिया जाता है। स्त्री को बायां अंग ही दिया जाता है। हाँ, कोई ऊंचा पाद बजाता है, कोई नीचा पाद बजाता है, एक दूसरे के मुकाबले की बात है। तो जो शंख के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा हाथ है, आत्मा रूपी भुजा है, वो चारों तरफ आवाज फैलाने के शंख फूंकने के निमित्त बन जाती है। क्या प्रैक्टिकल की आवाज ज्यादा फैलेगी या वाचा की आवाज ज्यादा फैलेगी? तो प्रैक्टिकल कर्मों को धारण करती है, ज्ञान में ज्ञान युक्त जीवन बिताती है, तो आवाज उसकी संसार में फैल जाती है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में आवाज फैलती है, शंख फूंक देती है, वो उनकी स्टेज हुई। प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाना, और सिर्फ वाचा वाचा में, कहते हैं जीव लंबी है तो वाचा की निशानी है, जगदम्बा की निशानी है, जगदम्बा काहे की देवी है, वाक देवी है, वाचा की देवी है, तो वाचा से कर्म करना और प्रैक्टिकल जीवन में कर्म करके न दिखा पाना वो नीची स्थिति है। इसलिए कमल फूल जो है वो कीचड़ में रहता है, और कीचड़ में रहते हुए भी पवित्र तो है, लेकिन ये बात गाई हुई है, क्योंकि रुद्रमाला का मणका है, रुद्रमाला के मणके गाए जाते हैं, उनका पूजन नहीं होता। पूजन किसका होता है? देवी का पूजन होता है। और बाबा जैसे कहते हैं शिव और शिव शंकर, वैसे कहते हैं शिव शंभु, शंभु शंभु स्वयं भू, भू माने होना, जन्म लेना, माने कोई बाप नहीं होता है जन्म देने वाला, स्वयं भू वो स्वयं ही होता है, कोई उसे 63 जन्म कितना भी बुलाता रहे वो नहीं होता है, होना होता है तब खुद ही होता है, इसलिए उसको कहते हैं स्वयं, और वो है शंकर। तो ये क्यों? तीन आत्माओं का संकरण जब हो तब शंकर कहा जाए, ब्रह्मा वाली सोल, कृष्ण वाली सोल, राम वाली सोल और शिव की सोल, तीनों का संकरण होता है, मिक्सर होता है, तब शंकर कहा जाता है। तो शिव शंभो कहो, बात तो एक ही है। सत्युग को सत्ययुग को सत्युग कहते हैं, और द्वापर बोले तो दो दो मत वाला युग, कला कलाहीन युग को कलयुग कहते हैं, तो त्रेता युग का अर्थ नहीं है। त्रेता युग को
इसलिए त्रेता कहते हैं है? उसमें 13 जन्म होते हैं, 13 जन्म होते हैं। तो 8 ही जन्म होते हैं लेकिन त्रेता में 13 जन्म। कितने पड़ गए? 8 और कितने 13 है? 5 बढ़ गए। तो जो 5 बढ़ गए वो नारायण का पद पाने वाली आत्माओं के अलावा है या वो ही है? इसलिए मुरली में बोला है जो नारायण बनते हैं वो राम भी बनते हैं। तो 8 तो सतयुग के 9 नारायण हो गए, त्रेता में 9 राम हो गए, बाकी 3 कहाँ गए? तो 3 मिलाने से 13 हो गए क्या? इसलिए उसको न द्वापर युग कहा जाता है, न कलह कलेश का युग कहा जाता है, न सत्ता युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रेता युग। अंति हो जाती है, भाई की अंति हो जाती है, सुख की दुनिया की, सड़क की दुनिया की अंति हो जाती है। भक्ति मार्ग में कहते हैं जब अंत तो होता है तो किसका नाम लेते हैं? राम का नाम लेते हैं। तो त्रेता में अंत में जाकर के राम राज्य खड़ा हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो महान राष्ट्र क्यों कहा गया है? और दूसरे राज्यों को महान राष्ट्र क्यों नहीं कह दिया है? क्यों नहीं कह दिया? अरे महाराष्ट्र को ही क्यों ये लकवा मिला? इसीलिए मिला कि महाराष्ट्र वालों ने महान पुरुषार्थ करके बताया हो महान कर्म करने वाली है। हाँ जी हाँ जी। और जो जन्म है ये अमूल्य और हृदय है। तो बाबा कोई भी आत्मा जन्म से ही उनका वजीर कमजोर होता है, बुद्धि कमजोर होता है, तो उनकी हाल क्या छुट्टी होंगी? अमूल जन्म और जन्मों के मुकाबले जो उनके और 84 जन्म हुए हैं उन जन्मों के मुकाबले कैसी भी कमजोर आत्मा क्यों ना हो ब्राह्मण, लेकिन ये जन्म जो पिछले जन्म हुए हैं चाहे स्वर्ग में हुआ या द्वापर कलयुग में हुए उनके मुकाबले श्रेष्ठ जन्म है। मतलब बाबा दूसरे जन्मों में इनसे बुरा जन्म होता है ऐसा? और जन्मों में इतना कल्याण नहीं होता है उस आत्मा का जितना संग में उस आत्मा का कल्याण होता है। नहीं बाबा पर वो जितना ज्ञान उठाना चाहिए उतना ज्ञान नहीं उठा सकते ना है? बुद्धि के हिसाब से वो जितना ज्ञान उठाना चाहिए उतना ज्ञान नहीं उठा सकते। और जन्मों के मुकाबले सबसे जागते उठाता है क्या? किंतु गुरु कौन मिला है? उनके से वो क्या गुरु मिला है? और 84 जन्मों में तो गिराने वाले मिले। बाबा ध्यान के आधार से पवित्रता को ज्यादा वैल्यू दिया है और पवित्रता जहाँ है वहाँ ज्ञान भरपूर है। तो ऐसे कहा गया तो पवित्रता रुद्र माला पतित कहा गए और विजय माला पावन कहा गए, तो उनके हिसाब से वो बाप को जल्दी पहचाना चाहिए ना पवित्र के आधार से। अभी विजय माला पावन कहे, अभी विजय माला के जो मणके हैं या विजय माला की जो मुखिया है वो पावन कहे, आंख लड़ाती कि नहीं लड़ाती है? ढेर के ढेर मनुष्यों के साथ आंख लड़ाती कि नहीं लड़ाती? तो दृष्टि से पतित है या पावन है? अभी तो नहीं पावन कहे, जब तक ज्ञान ही बुद्धि में ना आए कि दृष्टि से सृष्टि सुधारने वाला एक कौन है जिसका दृष्टि से संग करने मात्र से ही नजर पे निहाल करके हमको पति दुनिया के पावनतम धाम में ले जाएगा,
तब तक कैसे रुद्रमाला के उन मालकों विजय माला के उन मालकों को पावन कहा जाए? बकरी की बुद्धि कहे या केरनी की बुद्धि कहे, कौन सी बुद्धि है? जिसने कान पकड़ लिया, जिसने दर दबोचा, उसकी कंट्रोल है। हाँ जी, हाँ क्या करते हाँ, तो शरीर छोड़ते हैं तो शरीर के साथ विकार बंधे हुए हैं या बिना शरीर के विकार बंधे हुए हैं? ये दाढ़ी मूछ कहो या जो भी बाल हैं वो काई की निशानी है, विकारों की निशानी है, इसलिए बाल नोच देते हैं। और बाबा 4 महीने से हम संगठित रूप में मधुबन में बाबा का क्लास करते हैं। करो क्लास संगठन करते हैं, संगठन करते हैं। तो अभी ये पहले संडे को रखा है, कोई मतलब छुट्टियां नहीं मिले तो किसी को पहले संडे को रखा है। पहला रविवार। हाँ, तो क्या हुआ? तो मतलब बाप के सामने जिसको आना है वो बताएंगे ना, ऐसा ये तो कोई दशा वाली बात होगी। किसी को कोई दशा अच्छी लगती है, किसी को कोई दशा अच्छी लगती है। अगर भैया शनिदेव के दो शिष्य हैं, कौन कौन से है? भैया और सारसाती, उनको कौन अच्छा लगेगा? उनको तो शनिचर देवता ही अच्छा है। जो उसकी दशा में जन्म जन्मांतर रहने वाले होंगे, उसकी प्रभाव में जन्म जन्मांतर रहने वाले होंगे, उनको वो ही अच्छा लगेगा, दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। तो परीक्षा होगी तब पता चलेगा। बाबा जो पात्र अग्नि जल वायु अग्नि पृथ्वी, हाँ। पात्र से सब कुछ बना हुआ है, हाँ? ये सब साधन तो अंतिम समय में ये जो पात्र से बना हुआ है वो अभी मूल स्वरूप में चले जाएंगे ना अपने अपने, ठीक है? तो ये अपने शरीर जो अंत में रहेगा ये भी अपने मूल स्वरूप में चले जाएंगे, हाँ? अभी जो पात्र सब कुछ बना हुआ है ना, हाँ? तो ये अंतिम समय में जब हम पूरा खत्म हो जाएगा विनाश होगा तो सब अपने अपने पास स्वरूप में चले जाएंगे, ठीक है? मूल स्वरूप में तो हमने ये शरीर भी पात्र से बना हुआ है ना, हाँ? तो ये भी अपने मूल स्वरूप में चले जाएंगे, जाएगा ना? नहीं जाएगा? अरे जो जहाँ से आया वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, ज्ञान चुरा के, जैसे आठवा नारायण ज्ञान चुरा के, ये भाषा कान से चल रही है। क्यों कर्जा का इंग्ली करता है? आठवें नारायण का तो कब्जा इसलिए चढ़ा कि उसको जो करना चाहिए जो किया नहीं, जो मनन चिंतन मंथन ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है वो किया नहीं, और अपना मान मर्तबा लेने में वो जहाजों में घूमता रहा। तो पुरुषार्थ पक्का हुआ या कच्चा हुआ? कच्चा पुरुषार्थ हुआ, उसका प्रतिफल उन्हें मिल जाता है, ये राजाई चली जाती है, और जो पुरुषार्थ करता है उस ब्राह्मण को राजाई मिल जाती है। व्यास ने जब गीता लिखी व्यास तो रमन आया ज्यादा अक्षर डाला, तो व्यास ने जब गीता लिखी तो बोलते व्यास से गलती नहीं होती क्या, उसका मन का अक्षर नहीं डाल सकता क्या वो? पहली बात तो व्यास ने गीता लिखी ही नहीं, क्या व्यास ने कुछ लिखा नहीं, उसका नाम ही है वी
माने विशेष रूप से, और आत्मा ने बैठने वाला, तो वो लिखता नहीं है। जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं वो लिखते हैं धर्म ग्रंथों को या बोलते हैं? बोलते हैं। ऐसे ही व्यास भी बोला है और उसके शिष्यों ने लिखा। तो बोलते उसका नाम है गलत बोला तो बोलते भी जगह नहीं मिलेंगे। किसका नाम गलत बोला? व्यास को अगर नाम रखेंगे तो। क्या नाम रखेंगे? हमने वाला नाम थोड़ा रखते हैं, व्यास ऐसा बोल सकते हैं ना, तो व्यास को ये अहंकार आता है जब सुनाते तब अहंकार आता है ना, तो बोलते क्या व्यास को अगर ऐसा गलत काम बोला तुमने तो बोलते तुमको नरक में जगह नहीं मिलेगी, व्यास को नाम नहीं रखना। आपको नाम नहीं रखना? क्या नाम नहीं रखना? व्यास ने शास्त्र नहीं लिखवाए? नहीं लिखवाए क्या? शास्त्र लिखवाए कि नहीं लिखवाए? और शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुनिया की दुर्गति हुई या नहीं? तो चोर को चोर कहना खराब बात हो गई क्या? चलो।